नमस्कार साथियों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं और ये है इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न। इसमें कुल 30 प्रश्न हैं और 300 प्रश्न का चलते हैं आंसर जानते हैं, और साथ में आप भी देखिए कि आप कितने प्रश्नों को इसमें सही कर पाते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था? तो दिल्ली में जो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 23 नवंबर 1919 को, और खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है तुर्की में उस वक्त मुस्तफा कमाल पाशा का शासन था और उसने वहाँ खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। तो इसके विरोध में भारत के जो मुसलमान लोग थे वो इसका विरोध कर रहे थे, और इसमें महात्मा गांधी भी इसका सहयोग किए थे और इसी के लिए महात्मा गांधी इनके अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया, तो वह कौन सा सफल सत्याग्रह था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंपारण में। तो महात्मा गांधी अफ्रीका से जब लौटे थे तो वो 1915 ईस्वी में लौटे थे, और बिहार में 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ जिसका उद्देश्य था नील की क्रांति, नील क्रांति से मतलब नील की खेती से उत्पादन को बंद करने के लेकर। तो जानते हैं कि बिहार में जो है वो रामचंद्र शुक्ल नाम के एक व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए आमंत्रण दिए थे, और महात्मा गांधी ने आया और नील की जो तीनकठिया पद्धति थी उसे समाप्त किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक जो युद्ध हुआ था वो किन के बीच लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। तो कर्नाटक जो युद्ध था वह 3 बार लड़ा गया, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 1740 से लेकर 48 तक हुआ था, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक लड़ा था, और तीसरा जो था वो 1758 से लेकर 63 तक था। तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोवा को सबसे पहले यूरोप के किस देश के निवासियों ने उपनिवेश बनाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुर्तगाल ने 1510 ईस्वी में। पुर्तगाल गोवा को सबसे पहले 1510 ईस्वी में अपने अधिकार में ले लिया था, और ये लगभग 450 वर्षों तक गोवा को अपने अधिकार में लिया रहा, और यह 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों ने गोवा को भारत को सुपुर्द किया। तो पुर्तगाल ने 1510 ईस्वी पर गोवा पर जो अधिकार किया था तो वो बीजापुर के आदिल शाह पर हमला किए थे, और उसके बाद गोवा को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए थे। तो 1510 ईस्वी में एक पुर्तगाली गवर्नर था जिनका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यही बीजापुर के आदिल शाह से युद्ध किया और फिर पुर्तगाल जो है वो गोवा को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेड क्लिप जो था वह कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य 3 थे, कौन कौन थे? ए बी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 व्यक्ति जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये भारत आया था 24 मार्च 1946 को, और इसका दो उद्देश्य था।
पहला उद्देश्य था कि भारत की जो सत्ता है वह भारतीयों को सौंपना, और दूसरा था भारत के विभाजन को रोकना। लेकिन ये जो भारत के विभाजन को रोकना था वह सिर्फ एक दिखावटी था, इसका उद्देश्य यह नहीं था कि भारत के विभाजन को रोका जाए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किसने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैडम ब्लाटवस्की ने। तो इनके साथ मैडम ब्लाटवस्की और एक कर्नल ओलकॉट भी थे, कर्नल ओलकॉट, दो व्यक्ति मिलकर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे। और ये कब किए थे? तो ये किए थे 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में अमेरिका में इसकी स्थापना किए थे, और 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में इसका मुख्यालय अडयार जो कि मद्रास में है यहाँ हो गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेजली के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वे चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में हुआ था। तो कब हुआ था ये 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थे। और कब किए थे? तो ये 1866 में किए थे, और कहाँ किए थे? तो ये लंदन में किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय भारत में मारा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की जो हत्या हुई थी वो भारत में हुई थी, और कहाँ हुई थी? तो हुई थी पोर्ट ब्लेयर में, कहाँ हुई थी? पोर्ट ब्लेयर में। और इसे मारने वाला कौन था? इसे मारने वाला था शेर अली अफरीदी, शेर अली अफरीदी ने इन्हें मार दिया था। कब मारा था? 8 फरवरी 1872 ईस्वी को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तारीख निश्चित की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को ही पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की योजना बनाई थी, और इसीलिए हम लोग जो अपनी गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को ही मनाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? वो कलकत्ता थी। 1911 के बाद भारत की राजधानी कहाँ हो गई? दिल्ली। उसके पहले ये थी कलकत्ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1787 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्लेमेंट इटली। क्लेमेंट इटली जो था वो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो भारत को आज़ादी कब मिली? तो भारत को आज़ादी मिली थी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। अब ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था क्लेमेंट इटली, ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहा था 1945 से लेकर 1951 तक रहा था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1935 ईस्वी के मैकाले के मेन्यूट से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
मुख्य भूमिका निभाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और यह बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था जून 1928 ईस्वी को। और इसका उद्देश्य क्या था? अकाल और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए टैक्स के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। और ये कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात के बारदोली में हुआ था। इसी बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, तो महात्मा कब जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार महात्मा गांधी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी की माता जी का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जीजाबाई। शिवाजी के माता का नाम था जीजाबाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और आपके जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सर का खिताब वापस कर देना किस घटना से संबंधित है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि कब वापस कर दी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड से। जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 1919 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक किया गया? बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1936 को। 1936 को उड़ीसा जो है वह बिहार से पृथक होकर एक अलग राज्य बना था। और ये कब बना था? तो ये बना था 1 अप्रैल, ठीक है, पूरा पूरी इसका डेट है 1 अप्रैल 1936। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो सबसे पहले जानते हैं कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वह किसने लाया था? तो यह लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। कब किया था? 1878 को। इसका संबंध था प्रेस पर प्रतिबंध लगाने से। प्रेस में ये मतलब प्रतिबंध कर दिया गया था कि सरकार के विरुद्ध कोई भी गलत या आलोचना नहीं करेगा, गलत शब्द नहीं बोलेगा या कोई आलोचना नहीं किया। तो प्रेस की जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था इसको तो लाया था लॉर्ड लिटन ने। और इसको ख़त्म कौन किया? तो इसको ख़त्म किया था लॉर्ड रिपन ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया था। और ये कब किया था? तो ये किया था 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वेलेंटाइन सिरोल। साथियों, जितने भी सारे मैं प्रश्न इसमें लाया हूँ वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को याद रखना आपको जरूरी हो जाता है ताकि आने वाले एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आप नहीं छोड़ें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीबी रामन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन का संबंध किससे था? तो प्राथमिक शिक्षा से था। तो ये कब आया था? ये आया था 1882 ईस्वी में आया था हंटर कमीशन। लॉर्ड रिपन ने इस कमीशन का गठन किया था और इसकी जो देख रेख थी वो हंटर के देख रेख में हुई थी, इसलिए इसे हंटर कमीशन नाम दिया गया। लाए थे कौन? लॉर्ड रिपन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? इसमें निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थाई बंदोबस्त या सहायक संधि। तो चलिए सबके बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन कब हुआ था। हड़प नीति ये हुआ था 1847 को। इसको लाने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी लाए थे। बंगाल विभाजन ये हुआ था 1905 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? ये हुआ था लॉर्ड कर्जन। फिर अस्थाई बंदोबस्त हुआ था 1793 ईस्वी को। कौन लाए थे? तो लॉर्ड कर्नवालिस। फिर सहायक संधि 1798 में लाए थे। और कौन लाए थे? तो लॉर्ड वेलेजली। तो देखते हैं किस कह रहा है सबसे बाद में, तो सबसे बाद में हो जाता है कौन? बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। तो इसका सही जवाब है बंगाल विभाजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ की गई थी? तो ये कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय थी वो कलकत्ता में स्थापित हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे शॉर्ट में BHU कहते हैं, के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कब इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना की थी 1916 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इसमें कुल 33 प्रश्नों को हमने आपको बताया। तो बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप इसमें से 30 में से कितने प्रश्नों को सॉल्व किए, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके जो भी सुझाव हो वह हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।